तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया। हां जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। वैसे तो मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है, लेकिन नेपाल के राजा नरेश ने हूबहू नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा मंदिर हमारी हरिद्वार धर्मनगरी में भी बनवाया था। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर मोती बाजार में पड़ता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। का मुख्य द्वार, दूसरा द्वार मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। मंदिर के चारों ओर दुकानें और होटल बनने से मंदिर नजर नहीं आता है, लेकिन आप बाजार में किसी से भी पता कर सकते हो कि यह मंदिर कहां पर है। मंदिर पहुंच चुके हैं, आइए दिखाता हूं आपको मंदिर। जो आप शिव प्रतिमा देख रहे हो, ये उसी कसौटी पत्थर से बनी है जो नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग बनाई गई है। विश्व में पशुपतिनाथ के 2 ही चतुर्मुख मंदिर स्थित हैं, जिनमें से एक हमारी धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित है, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। आइए दिखाता हूँ आपको और मंदिर।
है भगवान शिव की सवारी और उनके सबसे प्रिय नंदी जी। जानते हैं यहाँ के पंडित जी से इस मंदिर के बारे में। हर हर महादेव। यह महादेव का मंदिर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र आपको हरिद्वार श्रवणनाथ नगर में ही वर्तमान में स्थित है। यह मंदिर नेपाल काठमांडू में जो भगवान शंकर पशुपतिनाथ महादेव जी हैं उन्हीं का ही रूप माना जाता है। यह मंदिर सन 1819 में हमारे श्रवणनाथ महाराज जी के शिष्य उस टाइम नेपाल के राजा राजेंद्र वीर सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। इसकी महिमा यह है शिव पुराण के अनुसार कि भगवान शंकर केदारनाथ में जब पांडव केदारनाथ जब भगवान शंकर के दर्शन करने गए थे उस टाइम भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन न दे करके भैंस का रूप धारण करके उनका जो धड़ निकला था वो नेपाल काठमांडू में निकला था। तो इसकी महिमा यह है, दर्शन का लाभ यह है कि जब केदारनाथ भगवान के शंकर के दर्शन करने जब लोग यात्री वगैरह भक्तजन जब जाते हैं तो नेपाल काठमांडू में भगवान शंकर के दर्शन करने जाते थे क्योंकि केदारनाथ में भगवान शंकर का अर्धस्वरूप मानते हैं। तो पूर्ण दर्शन तभी होते हैं जब नेपाल काठमांडू में जाकर के भगवान शंकर के इस मुख का पंचमुखी महादेव का दर्शन करें। तो यह स्थिति देख करके भगवान शंकर का यह निर्माण 1819 में यह निर्माण हरिद्वार में करवाया गया है ताकि उत्तर भारत के लोग जो भी केदारनाथ के दर्शन करने जाएं क्योंकि मुख्यतः चार धाम की यात्रा या भगवान शंकर केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग में विराजमान है उनकी यात्रा हरिद्वार से ही मुख्यतः प्रारंभ होती है। तो या तो वहां आके दर्शन करें या तो यहां आके दर्शन करें। पूर्ण दर्शन का लाभ इनका तभी होता है जब आप पशुपतिनाथ महादेव के भी दर्शन करें। यह आप देख सकते हैं भगवान शंकर के पंचमुखी रूप के दर्शन जो नेपाल काठमांडू में स्थित हैं। यह 1.25 लाख रुद्राक्ष का छत्र जो झालर के रूप में भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। यह गणपति सहित गौरी सहित सपरिवार सहित भगवान शंकर के साथ विराजमान है। यह पंचमुखी दर्शन है। जो ये पत्थर लगा हुआ है यह एक पर्वताकार का पत्थर है, आप देख सकते हैं। ये कार्तिकेय जी हैं, ये कीर्तिमुख, ये नंदी भगवान, ये शालिग्राम। शालिग्राम आपको बहुत दुर्लभ आपको मिलेंगे। ये भगवान सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा है। यह कुबेर जी एवं बद्रीनारायण भगवान की प्रतिमा भी विराजमान है। ये छोटे छोटे आपको शिवलिंग दो जो दिखाई दे रहे हैं यह नर्मदेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। इनको भगवान का द्वारपाल भी कह सकते हैं। जो भी ऊपर शिवलिंग देखा वो जमीन के 30 फुट नीचे तक है और बताया जाता है कि उस शिवलिंग को गंगा माँ छूती हुई निकलती है। लेकिन हम आपको वो शिवलिंग नहीं दिखा सकते, वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो वहां पर अभी लॉक लगा हुआ है।
मैं आपको वहां की वीडियो भी दिखाता लेकिन वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको वहां की वीडियो नहीं दिखाता। तो आपने मंदिर भी देख लिया, मंदिर का इतिहास भी जान लिया। अब आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार। ये है इस मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार। हमारे हरिद्वार या आप कहो धर्मनगरी में ऐसे बहुत से मंदिर या सुंदर जगहें हैं जो हम हरिद्वार वाले भी नहीं जानते। बस इन्हीं जगहों और मंदिरों को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा था ब्लॉग, शेयर कर देना सबको, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और न्यू ब्लॉग्स के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।